हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। जिन भी स्टूडेंट ने एमडीयू में डिस्टेंस से एडमिशन ले रखा, किसी भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले रखा है, बीए, बीकॉम, एमए, आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, एमएससी, एमकॉम, एमलिव, किसी भी ईयर में आप हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, किसी भी सेमेस्टर में आप हो, आप सभी को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, बीए के स्टूडेंट को कॉलेज मिलता है फिर डिपार्टमेंट मिलता है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीए के जो स्टूडेंट है उनकी जो क्लास है वो कौन से कॉलेज में लग सकती है, कॉलेज कौन सा अलॉट हो सकता है। सबसे पहले जो कॉलेज है गौर ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक, ये कॉलेज आपको मिल सकता है। नियर बाय जो भी स्टूडेंट रहेंगे डिस्ट्रिक्ट के उनको ये कॉलेज मिलेगा। इसके बाद अगला कॉलेज है पंडित निकिराम शर्मा जो गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में है, इस कॉलेज में भी आपकी क्लास लग सकती है, ये कॉलेज भी अलॉट हो सकता है। बीए के जो स्टूडेंट हैं उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगला जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बहादुरगढ़, ये कॉलेज भी आपको अलॉट हो सकता है। इसके बाद अगला जो कॉलेज है डीपीजी डिग्री कॉलेज गुरुग्राम, ये जो कॉलेज है बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनको मिलता है और बीए के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये कॉलेज मिल सकता है। इस कॉलेज में आपकी क्लास लग सकती है बीए और बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं। बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं सिर्फ उन्हीं को ये कॉलेज ही मिलता है, इस कॉलेज के अलावा किसी भी कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा, सिर्फ एक ही कॉलेज अलॉट होता है बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज मैम, ये कॉलेज भी आपको अलॉट हो सकता है। अगला कॉलेज है साउथ पॉइंट डिग्री कॉलेज सोनीपत, कन्या महाविद्यालय खरकोटा सोनीपत, सैनी कॉलेज रोहतक है। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज सापला। टोटल यहाँ पर 9 कॉलेज दिए गए हैं, बीए के जो स्टूडेंट हैं इन 9 कॉलेज में से आपकी किसी भी कॉलेज में क्लास लग सकती है, कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनको एक ही कॉलेज मिलेगा, डीपीजी डिग्री कॉलेज गुरुग्राम। इसके बाद एमए, एमएससी, एमकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनको डिपार्टमेंट मिलते हैं, उनको कॉलेज नहीं मिलता है। एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर ही डिपार्टमेंट होते हैं। जो भी स्टूडेंट एमए हिंदी से कर रहे हैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी मिलेगा, इस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी क्लास लगेगी। एमए संस्कृत के जो स्टूडेंट हैं उनका संस्कृत का डिपार्टमेंट रहेगा, इस डिपार्टमेंट में आपकी क्लास लगेगी। ये जो डिपार्टमेंट है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर ही रहेगा। इसके बाद एमए इंग्लिश के जो स्टूडेंट है आपका डिपार्टमेंट एमए इंग्लिश का रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। जो स्टूडेंट एमए पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट रहेगा, इसी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी क्लास लगेगी। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट हैं, एमए इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं आपकी जो क्लास है आपके डिपार्टमेंट में लगेगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में। इसके बाद एमकॉम के जो स्टूडेंट हैं आपकी क्लास डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो ये आपका डिपार्टमेंट है एम डी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर ही आपकी इसमें क्लास लगेगी। इसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट आपका डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स का रहेगा। एमए हिस्ट्री के जो स्टूडेंट है आपकी क्लास आपके हिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर लगेगी। इसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट आपके डिपार्टमेंट में ही आपकी क्लास लगेगी। एमलिव के जो स्टूडेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इस डिपार्टमेंट में आपकी क्लास लगेगी एमलिव के जो स्टूडेंट हैं। में आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं एमएससी, एमकॉम, एमलिव के जो स्टूडेंट हैं आपकी जो क्लास है डिपार्टमेंट के अंदर ही लगती है, आपके जो डिपार्टमेंट हो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर ही रहेंगे। कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो सभी डिपार्टमेंट एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर ही हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम, एमलिव के जो स्टूडेंट हैं आपको कॉलेज नहीं मिलते, आपको डिपार्टमेंट मिलते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर ही रहते हैं। बीए, बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं आपको कॉलेज मिलते हैं, इन कॉलेज और डिपार्टमेंट में ही आपकी क्लास लगती है। बीए के जो स्टूडेंट हैं उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा, एमए, एमएससी, एमकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा, इसके रिगार्डिंग एमडीयू की तरफ से नवंबर के फर्स्ट वीक में एडमिशन लिस्ट जारी की जाएगी। उस एडमिशन लिस्ट के अंदर ही आपको पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है, गौर ब्राह्मण कॉलेज मिला या फिर डीपीजी डिग्री कॉलेज गुरुग्राम मिला, कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडमिशन लिस्ट के अंदर ही देखने को मिलेगी। एडमिशन लिस्ट आपकी नवंबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना रहेगी। क्लास के रिगार्डिंग, कॉलेज अलॉटमेंट या फिर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।